अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मार्कशीट का स्टेटमेंट तैयार करना, और जिसके अंतर्गत हमने वी लुकअप के माध्यम से जो डेटाबेस पर हमारे मार्क्स ऐड हैं उनको हमने मेन सीट के अंतर्गत ऐड किया है जो कि अन्य सीट पर है। तो इसमें हमारे कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके थे, उनमें हिंदी के हम मार्क्स लेके आ चुके हैं, इंग्लिश के लेके आ चुके हैं, और इनका हमने टोटल निकाला है। अब आगे कुछ और बेसिक से कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमें फॉर्मेटिंग लेआउट को समझना होता है। जब हम मार्कशीट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंतर्गत हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन परेशानी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक व्यवस्थित मार्कशीट का फॉर्मेट तैयार करें। तो हमें जब हम मार्कशीट को लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके दो कॉलम्स यहाँ पर होते हैं, जिसमें हम एक तरफ डिज़ाइन करते हैं उसके मैक्सिमम मार्क्स। तो हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं मैक्स मार्क्स, और ये हो जाएगा हमारा थ्योरी मार्क्स जितने आए हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स के अंतर्गत हम यहाँ पर थ्योरी और मैक्सिमम का जो रेशियो है या कंटेंट्स हैं इसको हम अगले कॉलम में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये कॉलम आ चुका है, और इधर हम मैक्स के मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स उनको पुट कर देते हैं ताकि ये पता रहे कि सब्जेक्ट में कितने में से मार्क्स आए हैं। यदि इंग्लिश का पेपर है और इसमें 50 मार्क्स मैक्सिमम है और बाकी के सारे 100 100 मार्क्स के हैं, तो इस प्रकार से हम इनको असाइन कर देंगे ताकि मार्क्स स्टेटमेंट के अंतर्गत ये पता रहे कि कितने मार्क्स आए हैं। इसका कॉलम हम डिफाइन करते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये कंटेंट्स, आपने देखा होगा कि डेटा हमारा छिप जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसकी फॉर्मेटिंग करना होगा। तो आप उस सेल पर सेलेक्ट करें, उस सेल को सेलेक्ट किए और राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पर जाएं। यहाँ पर एक फॉर्मेट मेन्यू ओपन होगा, इस फॉर्मेट के अंतर्गत आपको अलाइनमेंट टैब मिलेगा। इस अलाइनमेंट के अंतर्गत आपको हॉरिजेंटल अलाइनमेंट भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ये अभी जनरल है तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, और वर्टिकल तौर पे भी हम इसको जस्टिफाई रख लें। जब जस्टिफाई करेंगे तो इस प्रकार से ये मैनेज करेगा इस डेटा को, और इस डेटा को आप सेंट्रल में असाइन कर दीजिए, और इसमें लेफ्ट राइट सेंटर में भी, और ऐसे मिडिल में इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेटा हमारा यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, और इसके साथ ही हम जस्टिफाई को भी यूज़ करते हैं, कवर करते हैं, हमने सेंटर इसको किया है, ये सेंटर हमारा हो गया है, शायद जस्टिफाई हट चुका है उसमें। हम फिर से एक बार और इसको जस्टिफाई पर ले जाते हैं, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पर गए, और ये देखिए यहाँ पर सेंटर हो गया है, तो हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं, ये जस्टिफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद थ्योरी को भी हम सेंटर यहाँ पर असाइन करते हैं, तो ये हमारे टर्मिनल के हो गए हैं। और इसके बाद हाफ ईयरली और इन दोनों का जो कॉलम है, अभी दोनों डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उसमें आ रहा है, तो दोनों को एक ही सेल में लेने के लिए हम इसको सेलेक्ट कर मर्ज को क्लिक करते हैं, जिससे यहाँ का सेल जो है वो मर्ज हो जाएगा, और इसी प्रकार इन दोनों सेलों को भी आपस में मर्ज कर सकते हैं। और हाफ ईयरली में भी हम मेंशन कर देते हैं मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, थ्योरी मार्क्स। इसी प्रकार हम एनुअल को भी मेंशन कर लेते हैं, ये हमारा एनुअल पैटर्न का हो गया, इसमें कितने कितने मार्क्स के हमने प्रैक्टिकल्स लिए हैं, थ्योरी लिए हैं उनको हम मेंशन करेंगे। इसमें इंग्लिश का 50 मार्क्स का है, और इनको 100 में से जो भी मार्क्स आएंगे वो यहाँ पर असाइन करेंगे। इसके साथ ही एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न में जब जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें थ्योरी
थ्योरी के साथ में जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स हो गया, इसके बाद थ्योरी मार्क्स हो गए और इसके साथ प्रैक्टिकल भी इसमें रहेगा। तो हम प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट का हुआ वो असाइन करेंगे। प्रैक्टिकल में अब देखते हैं कि उसका प्रैक्टिकल का मैक्सिमम और प्रैक्टिकल में आए कितने हैं वो हमें मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर हम एक रो या तो इंसर्ट कर लें या फिर हम उसको मैक्सिमम को दर्शा सकते हैं, इसी ब्लॉक में भी दर्शा सकते हैं या इसके अंतर्गत भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर एनुअल का हम मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से। इसके बाद साइंस में 75 है और बाकी का 25 है, इसलिए हम यहाँ पर 75, या तो हम इसको यहीं पे मार्क्स कर दें 75 प्लस 25 PR करके हम इसको डिफाइन कर दें प्रैक्टिकल के लिए, और सोशल साइंस 100 का हमारा हो जाएगा और मैथ भी हमारा 100 का हो जाएगा। थ्योरी में जो भी मार्क्स आएंगे और प्रैक्टिकल के जो भी मार्क्स होंगे वो यहाँ पर ले लिए जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेल सीट से जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर है। इसका भी फॉर्मेटिंग सेल जो है वो हम जस्टिफाई करते हैं, ओके करते हैं। ये सारे मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। इनको भी आप चाहें तो फॉर्मेटिंग लेआउट में ले सकते हैं, कोई भी कलर वगैरह डिज़ाइनिंग इसके ऊपर दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए बोल्ड आप इसको कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ पूरे मार्क्स शेड्यूल का आप बॉर्डर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये बॉर्डर ऑप्शन है, इसमें हम ऑल बॉर्डर पर जाते हैं तो ये लाइनिंग यहाँ पे आ जाएगी, ऑल बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ऑल बॉर्डर में जो नेम है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, इनका एक ही सेल हम जनरेट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर हम मर्ज करेंगे। फादर नेम में भी हम सेम यही कंडीशन लागू करेंगे, इसको मर्ज करेंगे, और मदर नेम में भी इसको हम मर्ज करेंगे। बाकी का कंटेंट्स हम लेने के लिए यहाँ पर अगला मर्ज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब इसमें आप यदि फ़ोटो का ब्लॉक बनाना चाहते हैं, फ़ोटो ब्लॉक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर जगह मेंशन कर सकते हैं। फिर हमको इसको थोड़ा सा जो मर्ज हमने किया है इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ तक हम इसको मर्ज कर दें और स्टेटमेंट इस प्रकार का आ जाएगा, और यहाँ पर हम फ़ोटो ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हैं, ये मर्ज कर दें तो इस प्रकार से फ़ोटो का ब्लॉक बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा हमारा लुक व्यवस्थित आ गया, यानी फॉर्मेटिंग व्यवस्थित हो गई। जितना अच्छा रोचक हमारा फॉर्मेटिंग होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इस डेटा कंटेंट को भी सेलेक्ट कर इसको बोल्ड कर देते हैं। डेटा सेंटर में हम करते हैं, अलाइनमेंट प्रॉपर सेंटर में करते हैं, जस्टिफाई यानी इसे हम सेंटर ना बोलते हुए इसको मिडिल कहेंगे और ये हमारा सेंटर कहलाएगा। तो हम इस प्रकार से डेटा मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस डेटा को भी हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ये सेंटर हमने सेलेक्ट किया है, और हॉरिजॉन्टल में हमने इसको दोनों तरफ से सेंटर कर दिया है, तो हॉरिजॉन्टल में हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ये जस्टिफाई हो जाएगा। अब देखिए अब प्रॉपर डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, और इसका बैकग्राउंड हम यहाँ पूरे को सेलेक्ट करते हैं और जो आप चाहें राइटली बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड सेट हो गया है, और डेटा कंटेंट का भी आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड निर्धारित कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ये इस प्रकार का हमने यानी मार्केट मार्कशीट स्टेटमेंट यहाँ पर डिज़ाइन किया है। चलिए और आगे की ओर समझते हैं। ये हमारा यहाँ पर इनका टोटल जो आ रहा था ये इतने मार्क्स का है, इन मार्क्स का थ्योरी मार्क्स का हम टोटल ने साइन किया है, तो फिर डबल क्लिक करेंगे, ये सॉरी परसेंटेज है और ये हमारा टोटल है, तो ये टोटल आ चुका है। अब हम वी लुकअप से बाकी का डेटा भी यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम पहले चलते हैं नेक्स्ट सीट पर, हम एक बार देख लेते हैं किस सीट पर हम जा रहे हैं। तो हम सीट वन पर यहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर हमारा डेटाबेस है। जब ये इस डेटाबेस को हम मेंशन कर रहे होते हैं तो हमें ये यहाँ पर दर्शाना होता है कि ये किस एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको भी मर्ज करते हैं, और यहाँ पर चूँकि हमारा डेटा ये टर्मिनल एग्ज़ाम्स का है
तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं टर्मिनल एग्जाम्स। तो वो हम टर्मिनल एग्जाम का डेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ सीधे, तो है कि टर्मिनल एग्जाम्स हो गए। अब इसको भी हम रो को मेंशन करेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा रो हमें यहाँ पर दिखाई ना दे, तो हम जितने मार्क्स हमारा उतना विड्थ इसका सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा डेटाबेस ये जो डेटाबेस सीट है ये कुछ साइज में विड्थ वाइज यदि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं प्रॉपर, और इसका जो डेटा है फॉर्मेटिंग्स हैं इसका भी हमें मैनेज करना होगा। फ़ॉन्ट साइज अभी फ़िलहाल हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और अलाइनमेंट इसका चाहे तो आप सेंटर कर सकते हैं, और राइट क्लिक कर वही फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे, और इसका हॉरिजॉन्टल डेटा जस्टिफाई हम करते हैं, ये हमने जस्टिफाई कर दिया है। इसके बाद भी डेटा थोड़ा रहे तो हम इसको इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। चाहे तो एक और यहाँ पर आप टेक्स्ट जो अलाइनमेंट्स हैं इसका वो फॉर्मेट में जाकर के वर्पिंग इसका सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल के अंतर्गत जाएंगे हम, और ये टेक्स्ट है ओरिएंटेशन, इस टेक्स्ट ओरिएंटेशन को हम इस प्रकार से 45 डिग्री पर सेट कर देते हैं। 45 डिग्री सेट करने से ये इस प्रकार का हो जाएगा, और इसके बाद हम इसका चाहे तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज सेट कर दें। ये फॉर्मेटिंग के लिए है और इसका इससे कोई विशेष ताल्लुकात नहीं है, तो आप जैसा चाहें फॉर्मेटिंग लेआउट सेट कर सकते हैं। हम ज़्यादा अच्छा है कि उसको नॉर्मली रखते हैं। फिर से हम फॉर्मेट के अंतर्गत जाते हैं, और इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम टेक्स्ट को नॉर्मल ही रखें, यानी 0 डिग्री पर ही रखें। चलिए हम इसको मेंशन कर चुके हैं, और थोड़े से ब्लॉक व्यवस्थित कर देते हैं ताकि प्रॉपर सब्जेक्ट हमारा मेंशन होकर के आए। तो ये फॉर्मेटिंग है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स चाहे तो हम वहाँ पर उसका टोटल लगा दें, या यहाँ पर भी एक बार मेंशन करना चाहें तो वो लगा सकते हैं, या हम चाहते हैं कि यहाँ पर मार्क्स फिल करें और यहाँ पर टोटल कितने आए हैं ये इसके लिए हम लगा सकते हैं इक्वल सम। ये हमने यहाँ पे सम लगा दिया है, और इसका ग्रेड डिवीज़न भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। चाहे तो आप ग्रेड वहाँ पर भी निकाल सकते हैं, या वी लुकअप से यहाँ पर ग्रेड निकाल करके भी ले जा सकते हैं। इसके लिए हमने रिजल्ट के लिए पास है फेल है इसके लिए यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया है, और फार्मूला में हमने लगाया है इफ़ स्टेटमेंट, हमने लगाया इक्वल इफ़। इसके बाद सेल रेंज दिया है P6 ग्रेटर देन इक्वल 33। 33 से यदि मार्क्स इसको बड़े हों, परसेंटेज हमारे 33 से देखो तो ये पास आए, अदरवाइज फेल आए। हालांकि ये सिर्फ पास फेल के लिए हमने दिया था, क्योंकि कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तो फिर वो फेल आएगा, तो यहाँ पर उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन ये हमारे डेटाबेस के लिए है ताकि हम सीधे एक बार में देखना पड़े, यानी हम जब डेटा शीट पर काम कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा ग्रेड डेटा का क्या रहा है। तो ये टर्मिनल एग्जाम्स के मार्क्स हो गए। इसी प्रकार हम चाहे तो इसी फॉर्मेट को कॉपी करते हैं और इसी को अगले एग्ज़ाम के लिए हम पेस्ट कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ से डेटा हम यहीं से देख सकें कि इस स्टूडेंट को टर्मिनल में कितने मार्क्स आए हैं, और हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम्स में एनुअल एग्ज़ाम जिसे कहते हैं उसमें कितने मार्क्स आए हैं वो हम यहीं से मेंशन कर पाएंगे। इसी प्रकार हम एनुअल का एक पैटर्न यहाँ पर बना लेंगे, लेकिन एनुअल एग्ज़ाम की जब बात करते हैं तो उसके अंतर्गत प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो वो भी हम एक कॉलम बना लेंगे जिससे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब इतना वर्टिकल यदि हम इसको देखें या विड्थ वाइज हम इस डेटा को देखें तो उसमें अब देख पा रहे हैं कि हमारी जो डेटा सीट है वो काफ़ी विड्थ में काफ़ी बड़ी हो गई। लेकिन इसमें फ़ायदा ये लगेगा कि एक ही डेटा सीट में आपका सब कुछ मैनेज हो जाएगा, यानी आपको अलग अलग डेटा सीट पर जाना नहीं पड़ेगा। इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जितना आपका कंटेंट्स हैं उतना मैनेज करके चले, बाकी का जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे आप
अपने काम में ले लीजिए, यानी यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए जिससे ये ऑटो सेट हो जाएगा। और भी आप यदि इसको सेट करना चाहते हैं तो क्लिक करके उससे खींच सकते हैं। तो ये देख पाएंगे कि आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मैं ऑटो फिट कर रहा हूँ, जिससे जितना हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है वो कवर हो करके आ रहा है हमारे पास में। इस प्रकार से हम ऑटो सेट के लिए डबल क्लिक करते जाएंगे और इसको फिट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है जब हम काम कर रहे होते हैं डाटा एंट्री के रूप में, और ख़ास तौर पे हम बात करें डाटा मार्कशीट तैयार करने में, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी उस डेटा कंटेंट पर काम कर रहा हो तो उसे इजीली तौर पर समझ में आ जाए, उन्हें ज़्यादा कुछ टिपिकल ना लगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे का जो हमारा कंटेंट्स है डेटास हैं उनको हम लेने के लिए अगली वीडियो में वी लुकअप के माध्यम से हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम पैटर्न देखेंगे। अभी हमने काफ़ी कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे लेआउट देखा है, हम ये चाह रहे हैं कि एक साथ एक बड़े वीडियो के रूप में अपने देखें, छोटे छोटे वीडियो के रूप में आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में वी लुकअप के माध्यम से डेटा को यहाँ पर लेकर के आएंगे और उसमें ग्रेड सिस्टम भी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, यानी सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट फेल होता है तो वो किस सब्जेक्ट में फेल है, किस सब्जेक्ट में पास है, और यदि वो पर्टिकुलरली एक निश्चित ग्रेड से पास होता है तो उसको स्टार भी यहाँ पे मिल जाएगा, या पर्टिकुलरली कोई सिंबल आप निर्धारित करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी मार्कशीट डेटा ट्री के रूप में हम डिज़ाइन करने वाले हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अन्य स्कूल या स्टाफ जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।